फिल्म लास्ट ईयर दुबई में देखी थी, दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जहाँ पे शिप ऑफ थीसिस दिखाई जा रही थी, तब निष्ठा की फिल्म भी दिखाई जा रही थी वहाँ पे। और मैंने जब ये फिल्म देखी तब आई वॉज रियली मूव्ड बाय द फिल्म। मैंने मैंने गुलाबी गैंग के बारे में सुना ज़रूर था, मुझे पता नहीं था कि इतना अमेजिंग काम हो रहा है वहाँ पे, और संबत पाल के नेतृत्व में इतनी इतनी अमेजिंग चीज़ें हो रही है। और साथ में इसकी जो बारीकियाँ है, फिल्म की हर एक बात मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी। मैंने बहुत ही इग्नोरेंट फील किया। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री की तरह, एक थ्रिलर की तरह अनफोल्ड होती है, एक हुडनिट की तरह अनफोल्ड होती है। तो और संबत पाल अपने आप में एक डिटेक्टिव है जैसे कि इस फिल्म में। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि हमें ही वो मौका मिल रहा है लोगों तक फिल्म ले जाने का। अभी बहुत अमेजिंग रिस्पांस है, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। इसको इसको दुबई में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिला, और वहाँ की ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड फिल्म थी उस साल की, उस फेस्टिवल की। उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला वहाँ पे। लेट्स होप टैक्स रिबेट लगे। आप अगर लिखना शुरू करेंगे इसके बारे में, हम सब मिलकर साथ, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, और ना ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुछ हो जाए। तो हम सबको मिलकर ही ये सब चीज़ें करनी है, हमें मिलकर ये बनाना है, ये इस जगह को बनानी है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज टैक्स रिबेट्स मिलते हो, जिसमें बार बार डॉक्यूमेंट्रीज थिएटर में रिलीज होती हो, जहाँ पे बार बार हम जाके डॉक्यूमेंट्रीज को थिएटर में जाके देखते हो। देश जल रहा है और हम सिर्फ पार्टी की बात करते रहते हैं। हमारी हर फिल्म बात करती रहती है कि पार्टी बाकी है, पार्टी हो रही है। हर फिल्म हमारी बात कर रही है पार्टी हो रही है। ठीक है, पार्टी हमें भी करनी है, हमें भी हम भी चाहते हैं कि खुशियां हो, हम भी चाहते हैं कि सेलिब्रेशन हो, हम भी चाहते हैं कि फेस्टिविटी हो, पर साथ साथ में हम ये बिल्कुल ही इग्नोर तो नहीं कर सकते कि बहुत ही बर्निंग इश्यूज है जो हमारे घर तक आ चुके हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको ये ढूंढना है और हमें ये साथ में मिलकर ढूंढना है कि हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, ये क्वेश्चन कितना रेलेवेंट है, इसका सोल्यूशन ढूंढना कितना रेलेवेंट है, और हम सब मिलकर इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिल्म के रिलीज के बारे में यहाँ पे आए हैं गुलाबी गैंग, गुलाब गैंग नहीं, गुलाबी गैंग। ये फिल्म 2012 में बनी, ये डॉक्यूमेंट्री है, मतलब वास्तविकता है। और ये फिल्म मैंने 2010 और 2011 में संपत पाल जो गुलाबी गैंग के लीडर है उनके साथ शूट की थी। और जिस समय मैं शूट कर रही थी उस समय इस गैंग के मेंबर 150,000 थे, अभी ये 400,000 मेंबर हैं। तो ये ज़्यादातर इन लोग 2006 में ये गैंग बना था, संपत पाल जी ने बनाया था। और ये लोग औरतों के खिलाफ, औरतों के ऊपर जो अत्याचार होता है या दलितों पे जो अत्याचार होता है, और ज़्यादातर जो ऑफिसेज में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस फिल्म को 5 बड़े अवार्ड मिले हैं, दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, और इसको 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं फॉर ह्यूमन राइट्स। फिल्म बनाने में तो 3 साल लगे, इसका ड्यूरेशन 96 मिनट्स है। दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट्री, पूरी वास्तविकता है इसमें। विद इन द सोसाइटी इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस टू गुलाबी गैंग, पर से आरसेल्व्स वी डिडंट फेस एनी प्रॉब्लम्स, एंड इट जस्ट टेक्स टाइम टू बी देयर। सो वी वर शूटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, समटाइम्स रियली लॉन्ग पीरियड्स लाइक 30 डेज टुगेदर, एंड दैट रियली हेल्प्स, यू नो, योर दे गेट यूज टू यू, दे गेट यूज टू द कैमरा, सो यू आर नॉट लाइक अ स्ट्रेंजर। तो मैंने ये फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई ये फिल्म, और निष्ठा से मैंने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं इस फिल्म के लिए। तो निष्ठा ने कहा कि आप थोड़ा मदद कर दीजिए। तो हमने कहा कि आप जो भी चाहें, जो हम इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी मदद कर सकते हैं वो करने को तैयार हैं। क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक तो ये आइडिया है हमारा कि शिप ऑफ थीसियस के साथ जो किरण राव ने किया, कि किरण राव की वजह से शिप ऑफ थीसियस लोगों तक पहुँच पाई, तो एक प्लेटफॉर्म बना है। तो हमारा भी कहीं ना कहीं आइडिया है कि रिसाइकिल वाला से हम कुछ भी करें कि कुछ फिल्म्स को, अच्छी फिल्म्स को लोगों तक पहुंचाने में जो भी मदद हम कर पाएँ। एक तो वो आइडिया है हमारे पास ऑलरेडी, तो गुलाबी गैंग के आने से वो आइडिया पर हम काम कर पाए। मैंने देखा तो मुझे कुछ हुआ, तो मैंने कहा कि मैं आपकी फिल्म को मदद करता हूँ। आपने देखा, आपने तो आप कुछ मदद करेंगी, तो हम सब मिलकर
इस संवाद को रोजाना करते रहेंगे तो उस दिशा में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ काम होगा, वो होना बहुत ही ज़रूरी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है और किन कारणों से हो रहा है, तो वो भी ये फिल्म बताती है। तो ये सब किरण ने फिल्म देखी है और उनको किरण को फिल्म बहुत पसंद आई है, ऐसा आनंद ने मुझे बताया था कि हाँ, तो किरण को फिल्म पसंद आई है, तो शायद आने वाले दिनों में किरण कुछ करेंगी या जो भी किरण करना चाहेंगी। किरण एक स्क्रीनिंग कर रही हैं स्पेशल, वो अपने लोगों को कुछ इनवाइट करेंगी जिससे कि वो लोग आगे बात करें। मतलब मेरी फिल्म तो 212 की फिल्म है, मुझे चांस मिल रहा है अभी रिलीज़ करने के लिए, बिकॉज सोहम रिसाइकल वाला हैव कम टू हेल्प मी आउट, नहीं तो डॉक्यूमेंट्रीज के पास इतना बजट नहीं होता रिलीज़ करने के लिए। सो वी आर लकी दैट वी आर कमिंग बिफोर। और मुझे उस फिल्म के बारे में मालूम नहीं है, मुझे अपनी फिल्म के बारे में मालूम है। हमने गुलाबी गैंग के साथ काम किया है, उन लोगों का इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मैंने पहले बनाई है ना, ये तो बाद में बनी है। अच्छा। मेरी 2010 में शूटिंग की थी, मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी 2012 में, इन लोगों की फिल्म अभी ख़त्म हुई है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए था वैसे। तो अलग तरह की फिल्म है, ये फिल्म इसलिए नहीं बनाई गई है कि कोई बॉलीवुड स्टार्स आ जाए और इसको कमर्शियल हो, इसको ऐसा हो, ये इस फॉर्मेट में फिल्म बनी नहीं है। ये फिल्म बनी है कि एक डॉक्यूमेंट्री निष्ठा ने शूट की है और हम तो हाल फिलहाल जुड़े हैं। द नॉर्वेजियन प्रोड्यूसर वॉज इंटरेस्टेड ऑल्सो इन द सब्जेक्ट एंड देन ही अप्रोच्ड मी एंड आई हैड ऑलरेडी गॉट सम फंडिंग, बट इट वॉज गुड।